नमस्कार, आप देख रहे हैं HPS TV। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के चलते हजारों घर ऐसे हैं जहां लोगों को दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हर शहर के सक्षम लोग अपने स्तर पर शहर में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी से संबंधित हाल ही में हिंदुस्तान में प्रकाशित हुआ है एक आर्टिकल, जो यह बात बताता है कि लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहे हैं कनपुरिया। जी हाँ, सबसे ज्यादा आगे हैं। कानपुर में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को उनकी स्थिति में खाना प्रोवाइड करवा रही हैं। इसी में से एक है फीडिंग इंडिया। क्या है फीडिंग इंडिया? फीडिंग इंडिया एक संस्था है जो जरूरतमंदों को खाना प्रोवाइड कराती है, और कोरोना जैसी महामारी में जब लोगों को खाने की दिक्कतें होने लगी तो फीडिंग इंडिया हंगर हीरोज अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर निकलकर लोगों को खाना बांट रहे हैं। फीडिंग इंडिया के इस मिशन का नाम COVID-19 रिलीफ मिशन है। फीडिंग इंडिया के जज्बे को देखते हुए न सिर्फ शहर के लोगों ने बल्कि रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े क्रिकेटरों ने भी नेक काम में उनको 5 लाख जैसी बड़ी रकम डोनेट की है। यह हंगर हीरोज रोज शहर शहर में घूमकर घर घर जाकर लोगों को खाना दे रहे हैं, लोगों के जरूरत के सामान बांट रहे हैं, जैसे साबुन, सब्जियां, बिस्कुट, आटा, दाल, चावल, ऐसे कई जरूरतमंद चीजें ये लोग बांट रहे हैं। इस मिशन में शहर के भूखे लोगों के साथ साथ फीडिंग इंडिया के सभी हंगर रोज का भी पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं। इस मिशन के लिए काम कर रहे लोगों को उनके स्वास्थ्य और उम्र की सही जांच के बाद इस मिशन पर काम करने की अनुमति मिली है। साथ ही यहां होने वाले रोज की पैकिंग और बैठने वाला खाना पूरी सफाई को ध्यान में रखकर किया जाता है, जहां हर व्यक्ति अपने आप को घर में बंद कर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में फीडिंग इंडिया के सदस्य, फीडिंग इंडिया के हीरोज अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी परवाह किए बिना शहर को हंगर फ्री बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये फीडिंग इंडिया के सदस्य नहीं, ये सच में भारत देश के हीरो हैं।